असलम नाजरीन मां ज़हिर संजलवाणी शबाना नवाज़ ऑफिशियल चैनल तक तुम मुखातिब आया। असो जो अज टॉपिक है वो सोशल स्टडी है। असा पे पार्ट जो हलए चुका हूँ, हाँ अस बो पार्ट शुरू कंदी। पे पार्ट में अस चैप्टर टे कंप्लीट कर चुका क्लास फोर जहा। हाँ चैप्टर फोर शुरू कंदी जो नालो वेदर है। वेदर माना मौसम। एटमोसफेयर एट उनको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एटमोसफेयर एट स्पेसिफिक प्लेस इन कॉल इज कॉल्ड आबहवा। जिका मखसूस कें जगह से या वक्त से हल उनके चबो है उनके वेदर यानी मौसम चबो है। वो स्टडी द वेदर मौसमियात के केर पढ़ा या मौसमियात पढ़ंदड़ के चबो है या उनके इलम रखंदड़ के चबो है उनके मेट्रोलॉजिस्ट चबो है। स्टडी ऑफ जी बायोलॉजी पढ़ंदड़ के बायोलॉजिस्ट, मैथमेटिक्स पढ़ने के मैथमेटिशियन, अड़ी तरह वेदर के इलम के पढ़ंदड़ के चबो है मेट्रोलॉजिस्ट। उनका स्टडी ऑफ वेदर इज नोन एज मौसमियात के इलम के या मौसम के इलम की जान के चबो है मेट्रोलॉजी चबो है। जी बायोलॉजी जिंदगी के इलम के अस बायोलॉजी चवंदा आयो, ठीक है। अड़ी तरह मौसम के इलम के चबो है मेट्रोलॉजी चबो है। थर्मामीटर्स आर यूज टू मयर। थर्मामीटर इस्तेमाल कें शे के मयर कर लाइ टेम्परेचर के बुखारात के। बेरोमीटर्स आर यूज टू मयर। बेरोमीटर इस्तेमाल कें मयर कर इस्तेमाल एटमोसफेयर के प्रेशर के। उनका एनीमोमीटर इज यूज टू मयर विंड स्पीड। हाँ एनीमोमीटर जो है इस्तेमाल है विंड स्पीड यानी हवा की स्पीड के जान लाइ। जी मिसाल तौर चवंदा तूफान जो है सो मशहूर मुख्तलिफ़ तूफान जी कतरीना तूफान है या बिहार अमेरिका में तूफान अची चुका है। हाँ उनकी स्पीड के कें चेक कबी है तो बाबा पर घंटे एतरी रफ्तार से तूफान हलो या तेज़ है या सामूरी तूफान वो एनीमोमीटर के जरिए चेक किया। चैप्टर नंबर फाइव है द वे वी लिव टुगेदर। कड़े तरीके से अस गर रहूँ था। उनमें क्वेश्चन है द अजरक इज ट्रेडिशनल टू। अजरक जो है वह कंजी सकाफत है सिंध की। असकी सकाफत है जो सिंधी टोपी अजरक टेप अस मल्हा हर साल दिसंबर में असा पैं सकाफत के उजागर कंदा कें मेहमान कें मौज मेहमान के अजरक पेश कंदा कें न्याणी के भी मान लाइ अजरक पेश कंदा। अजरक असा सिंधियों की निशानी है। टू फेमस फेस्टिवल्स ऑफ के पी के जहा यानी खैबर पख्तूनख्वा जहा ब मशहूर जो सो फेस्टिवल्स कड़ा शंदूर पोलो एंड जोशी। शंदूर पोलो जो है पोलो रांद है एंड जोशी जोशी जो फेस्टिवल है वो मशहूर है। नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेट इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कड़े किस्म जो फेस्टिवल मल्हा वो उनके चबो है बसकशी। वेयर डज हॉर्स एंड कैटल शो टेक प्लेस। घोड़न जो है सो मालो मताव जो है सो मेलो किथे लगन है लाहौर एंड जैकबाबाद। लाहौर एंड जैकबाबाद में गंज बख्श जो मकबरों किथे है लाहौर में। टॉम्ब ऑफ बाबा फरीद गंज इज एट। बाबा फरीद जो मकबरों किथे है पाक पतन में। टॉम्ब ऑफ हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया इज एट। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया जो मकबरों किथे मौजूद है मुल्तान में। मुल्तान के द सिटी ऑफ सेंट्स यानी ओलियाउन जो शहर पिण चयो। टॉम्ब ऑफ हज़रत बुल्ले शाह इज एट। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जो है सो मकबरों किथे है कसूर में है। वेयर एकता डे सेलिब्रेटेड इन सिंध। सिंध में एकता डे जो है सो किथे मल्हायो वेंदो आहे चे तो फर्स्ट संडे ऑफ डिसंबर। डिसंबर जे पहिरीं आचर ते मल्हायो वेंदो आहे। चैप्टर या पॉइंट नोट करण जी आहे त हर दिसंबर जे पहिरीं आचर ते प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी सूबाई हुकूमत। नेम ऑफ थ्री ब्रांचिज ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सूबाई हुकूमत जो टी ब्रांचू कड़ी टे शाखू कड़ी उनमें लेजिस्लेटिव ब्रांच आ एग्जीक्यूटिव ब्रांच आ जुडिशल ब्रांच है। द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज कॉल लेजिस्लेटिव जी ब्रांच है सूबाई हुकूमत की सूबाई सरकार जी उनके चबो है उनके प्रोविंशियल असेंबली चबो है यानी कि सूबाई असेंबली। न्यू एंड एग्जेक्टिंग लॉज आर मेड बाय नवा कानून कें जरिए ठाया वेंदा प्रोविंशियल असेंबली यानी सूबाई असेंबली जरिए। MPA stands for MPA जो है उनको फुल फॉर्म यानी एब्रिविएशन उनकी है मेंबर ऑफ प्रोविंस असेंबली। मेंबर ऑफ प्रोविंस असेंबली MPA के चो है। कानून सूबाई असेंबली जो कानून जो है सो वो कड़ी शाख तरफा जो है सो खाया वा या टाया वा। एग्जीक्यूटिव ब्रांच
उनके एग्जीक्यूटिव ब्रांच है बॉय व्हिच ब्रांच ऑफ कंसिस्ट ऑफ गवर्नर चीफ मिनिस्टर एंड नंबर ऑफ मिनिस्टर्स आणि गवर्नर वजीर आला आई मुख्तलिफ़ वजीरन जा मुख्तलिफ़ तादाद वजीरन जा जेके आहिनि सो कहिड़ी ब्रांच ते मुश्तमिल हूंदा आहिनि इहे एग्जीक्यूटिव ब्रांच ते मुश्तमिल हूंदा आहिनि हू इज़ द हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबई सरकार जो जेको आहे सो हेड कहिड़ो हूंदो आहे ऐं रहनुमा केरु हूंदो आहे चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला हू चूज़ द प्रोविंशियल मिनिस्टर्स सूबई वज़ीरनि जी चूंड केरु कंदो आहे चीफ मिनिस्टर यकीन वज़ीर आला कंदो आहे विच ब्रांच वर्क इज़ इंटरप्रेट द लॉ हाणे कहिड़ी जेको आहे सो ब्रांच आहे कहिड़ी शाख जेका आहे गवर्नमेंट जी उहा क़वानीन ते जेको आहे सो कमु कंदी आहे जुडिशल ब्रांच जुडिशल ब्रांच कानून जे मुताबिक़ कमु कंदी आहे या नवां कानून ठाहींदी आहे कोर्ट्स दे डील विथ द डिस्प्यूट बिटवीन पीपल आर कॉल्ड हाणे माण्हुनि जा मसला जिन कोर्टनि में जिन अदालत में हल कया वेंदा आहिनि उनखे छा चइबो आहे सिविल कोर्ट्स द कोर्ट्स दे डील विथ द क्राइम्स आर कॉल्ड हाणे जिन कोर्टनि में या अदालतनि में ॾोहनि जा मसला हल कया आहिनि उनखे छा चइबो आहे उनखे क्रिमिनल कोर्ट्स चइबो आहे चेप नंबर सेवन आहे मीन्स ऑफ कम्यूनिकेशन मेल स्टेंस फॉर हाणे ईमेल छाजे लाइ जो फुल फॉर्म छा आहे इलेक्ट्रॉनिक मेल ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल फॉर मेल ऐं हू इनवेंटेड द टेलीफोन टेलीफोन कंहिं ईजाद कई सभिनी खे ख़बर आहे अलेक्ज़ेंडर ग्राहम बेल वेन अलेक्ज़ेंडर ग्राहम बेल इनवेंटेड टेलीफोन अलेक्ज़ेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन कॾहिं ईजाद कई 1876 में साल ज़रूरु यादि कजे कंहिं बि इनविटेशन जो लाज़मी आहे चैप्टर नंबर एट आहे राइटली गाइडेड कैलिफ्स ख़लीफ़ा जेके चार ख़लीफ़ा मीनी ईयर्स हज़रत अबू बकर ज़िला नो रिमेन कैलिफ हर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला नो केतिरा साल ख़लीफ़ा रहिया 3 years एंड 3 months 3 साल ऐं 3 महीना ज़रूरु यादि रखणु घुरिजे इंतिहाई अहम सुवाल आहे वेन हज़रत अबू बकर पास्ट अवे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला नो कॾहिं वफ़ात कई 634 AD आर 13 AH यानी 634 ईस्वी ब मुताबिक़ 13 AH हाउ मैनी ईयर्स हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला रिमेन एज़ कैलिफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला नो केतिरो अरसो ख़लीफ़ा रहिया 10 years एंड 6 months 10 साल ऐं 6 महीना वेन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला नो पास्ट अवे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला नो कॾहिं इंतकाल कयो 644 AD एंड 23 AH हाउ मैनी ईयर्स हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला रिमेन एज़ अ कैलिफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला नो केतिरो अरसो ख़लीफ़ा रहिया 12 years यानी 12 साल वेन हज़रत उस्मान पास्ट अवे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला नो कॾहिं वफ़ात कई 656 656 आर 25 AH यानी 25 हिजरी बमुताबिक़ 25 हिजरी हाउ मैनी ईयर्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला रिमेन एज़ अ कैलिफ हज़रत उमर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अनहो केतिरो अरसो ख़लीफ़ो रहिया 5 years यानी 5 साल वेन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला नो पास्ट अवे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला नो कॾहिं शहीद थिया कॾहिं हिन दुनिया में रहलत फरमाई 661 AD आर 30 हिजरी 661 ईस्वी या 3 हिजरी वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ अली रज़ी अल्लाह ताला नो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला जो मकबरो किथो आहे किथे आहे नजफ़ अशरफ इराक में ऐं चैप्टर नंबर 12 आहे अवर हीरोज़ एंड हीरोइंस असांजा हीरो ऐं असांजी हीरोइनूं वेन एंड वेयर हैदर बख्श चतोई वास बॉर्न हैदर बख्श चतोई किथे ॼाओ 1901 इन लालकाना कुझु सवालनि खे असां जेको आहे सो मामूली सम्झंदा आहियूं लेकिन टेस्ट ॾींदड़ इदारे जी निगाह अड़नि सवालनि ते हूंदी आहे त हिन करे हिकु हिकु सवाल खे जेको आहे सो अहमियत ॾियणी आहे हाणे हैदर बख़्श चतोई कॾहिं ॼायो हो 1901 में किथे ॼाओ लाड़काणे में त हिन करे हिकु हिकु जवाबु सवाल जवाब क़िस्म खे अहमियत ॾियणी आहे इन विच ईयर हैदर बख़्श जतोई डाइड कहिड़े साल में हैदर बख़्श जतोई जेको आहे सो वफ़ात कई त 1971 में 70 साल जी उमिरि में हुन दुनिया में रहियल फरमाई वेन लेडी नुसरत हारून वर्स बॉर्न लेडी नुसरत हारून कॾहिं पैदा थी 1896 1896 ईस्वी में अलम आए काज़ी कॾहिं किथे जाओ 1886 ईस्वी में इन दादू 1886 ईस्वी में दादू में जाओ हू वॉस फस्ट हेड ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी जो पहिरियों जेको आहे सो हेड केरु हो या वाइस चांसलर जंहिंखे चइजो केरु हो अलम आए काज़ी वेन अलम आए काज़ी डाइट 1968 अलामा आया काज़ी कॾहिं वफ़ात कई 1938 में इन विच ईयर बेनज़ीर भुट्टो वास बॉर्न बेनज़ीर भुट्टो साहब कहिड़े साल में ॼाई 1953 सिंध राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कॾहिं ॼाई 1953 ईस्वी में
अज क्लास असो इत अख्ताम थो क्लास फोर जहाँ जी अहम अहम एम सी क्यूज अस चूंडे कर वेठाया असा तह तई पहुँचाया उम्मीद है तुम बार बार इनके बुध तैयारी कंदा रहो हिसाब से भी बार बार इनके वरी दोबारा ऐसा रहो जो अस बार बार कोशिश कंदी बार बार तैयारी कंदी बार बार पढ़ासी शेयन के रिपीट कंदी तो वे शूं अस जहन में वेही वो इंशाल्लाह तुम साबित कदमी से पढ़ो इंशाल्लाह तुम बेहतर का बेहतर मार्क मार्कू वो हिम्मत हिम्मत मरदा मदद खुदा हिम्मत कंदा रहो तो चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं भाई हिम्मत कंदा रहा इंशाल्लाह अल्लाह की मदद उन है जी पैं मदद पान कह सो उम्मीद है तारी तैयारी बेहतरीन नमूने हली रही होंगी असा गड रहो शबाना नवाज ऑफिशनल से जुड़े रह।